नमस्कार दोस्तों, आशा रखता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। माय सेल्फ भाविन शाह फ्रॉम साहस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स, योर ओन पर्सनलाइज हाईटेक डिजिटल क्लासेस। इस वक्त हम लोग स्टडी कर रहे हैं हमारा एक इंपॉर्टेंट चैप्टर कंट्रोलिंग, और इस चैप्टर के आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। और यहां पे हमें टोटल 11 पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये 11 पॉइंट्स कौन से इंपॉर्टेंस के वो देख लेंगे, और उसके बाद ये हर एक पॉइंट को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये जो पॉइंट है दोस्तों, ये आपको अच्छे से याद रखने हैं, क्योंकि अगर आपको पॉइंट्स याद रहेंगे तो आप उसके अंदर डिस्क्रिप्शन लिख पाएंगे। तो देखो, सबसे पहला पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंस क्या है, कंट्रोलिंग इज हेल्पफुल इन अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। मेन वर्ड्स ये है, अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, उसमें यहां पे कंट्रोलिंग हेल्प करता है, ये उसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देन कंट्रोल ऑन वेरियस एक्टिविटीज, अलग अलग एक्टिविटीज को कंट्रोल कर सकते हैं। इट मेक्स प्लानिंग इफेक्टिव, प्लानिंग को हम और इफेक्टिव बना सकते हैं कंट्रोलिंग से। कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग्स वेरियस एक्टिविटीज, मेन वर्ड यह है कोऑर्डिनेशन, अलग अलग एक्टिविटीज का ये पॉसिबल बन जाता है। इवेल्युएशन ऑफ एक्टिविटीज, अलग अलग एक्टिविटीज का इवेल्युएशन इजिली हो सकता है। पांच पॉइंट हुए, कौन से पांच पॉइंट, पहला आया हेल्पफुल इन अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, कंट्रोल ऑन वेरियस एक्टिविटीज, मेक्स प्लानिंग मोर इफेक्टिव, कोऑर्डिनेशन अमॉन्गस्ट वेरियस एक्टिविटीज एंड इवेल्युएशन ऑफ एक्टिविटीज। देखो फोर एंड फाइव एक्टिविटीज के रिलेटेड है। देन सिक्स, रिमूव्स डेविएशन, कोई भी डेविएशन आता है तो उसको दूर किया जा सकता है। इट इज नेसेसरी फॉर डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी, ऑथोरिटी डेलीगेट करते हैं तब कंट्रोलिंग काम का है। इट फाइंड्स आउट द एरर, यूजफुल फॉर लॉन्ग टाइम प्लानिंग, हेल्पफुल इन डायरेक्टिंग, देखो ये हेल्पफुल प्लानिंग में और डायरेक्टिंग में, ये सीधा आप याद रख सकते हो। एंड इट इज अ बैरोमीटर फॉर एफिशिएंसी। तो यहां पे दोस्तों पहले ये वीडियो को पॉज करके ये 11 पॉइंट्स को अपने माइंड में अच्छे से फिट कर दो, और एक दो बार नोटबुक में भी लिख दो, ताकि आपको ये 11 पॉइंट्स अच्छे से याद रह जाए। इसमें अगर आपकी सीक्वेंस ऊपर नीचे होगी तो चलेगा, और 11 के 11 पॉइंट आप प्रिपेयर करने की कोशिश करो, पर आपको एग्जाम के लिए 7-8 पॉइंट भी याद रह जाएंगे तो आपको कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, फुल मार्क्स स्कोर कर पाओगे। तो चलिए दोस्तों, अब इस सभी पॉइंट्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, पर उससे पहले हम लोग यहाँ पे इंट्रोडक्शन समझ ले। तो देखो, कंट्रोलिंग इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के बहुत सारे फंक्शंस है, लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, बहुत सारे। उसके अंदर कंट्रोलिंग भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। कंट्रोलिंग इज नेसेसरी फॉर अचीवमेंट ऑफ बिजनेस ऑब्जेक्टिव, ये जो बिजनेस ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने में कंट्रोलिंग बहुत हेल्प करता है। एन आइडियल कंट्रोल सिस्टम प्रोवाइड्स द गाइडेंस टू एवरी डिपार्टमेंट एंड देयर बाय एस्टैब्लिश कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग्स देम। मतलब एक आइडियल कंट्रोल सिस्टम होगी, मतलब एक अच्छी कंट्रोलिंग सिस्टम होगी, तो वो सारे के सारे डिपार्टमेंट को प्रॉपर गाइडेंस देती है, और उसकी वजह से ये सारे अलग अलग जो डिपार्टमेंट होते हैं उनके बीच में अच्छा सा कोऑर्डिनेशन सेटअप हो जाता है। सो अ गुड कंट्रोल सिस्टम हेल्प इन ऑर्गेनाइजेशन इन फॉलोइंग वेज। और कौन कौन से वेज में वो हेल्प करता है, यानी कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट के पॉइंट है, तो देखो सबसे पहला, हेल्पफुल इन अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। तो देखो दोस्तों, यहां पे क्या कहा है कि हमारे कोई भी ऑब्जेक्टिव होंगे, यानी कि गोल होंगे, कि फॉर एग्जाम्पल हमें ये अचीव करना है, ये जीतना है, तो उसमें हमें कंट्रोलिंग काफी हेल्प करता है। द प्लान इज फ्रेम बाय कीपिंग इन व्यू द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस यूनिट। मतलब बिजनेस यूनिट के जो भी ऑब्जेक्टिव्स है, गोल्स है, उसको ध्यान में रख के प्लानिंग बनाया जाता है। Other functions like organizing, directing, etc. are also arranged according to the plan. जो प्लान बना है उसके हिसाब से हम लोग बाकी के जो functions है, like organizing है, directing है, staffing है, वो सारे functions भी करते हैं। Then these functions are brought under a control. और ये सारे के सारे अलग अलग जो functions होते हैं, यानी कि directing हो गया या staffing हो गया या coordination हो गया, उन सब को control के under में लाया जाता है। And controlling finds out the errors in the enterprise and take corrective measures. मतलब कि यहां पे controlling क्या करता है,
कोई भी यहां पे एरर्स है या डेविएशन है उसको फाइंड आउट करेगा और उसके अकॉर्डिंगली यहां पे करेक्टिव स्टेप्स लेगा। अगर आपने ये बहुत ही फेमस एमएस धोनी मूवी देखा हुआ हो तो उसके अंदर एक्चुअली में आप लास्ट सीन याद करो कि क्रिकेट में जब विकेट गिर जाती है तो धोनी डिसाइड करता है कि अब यहां पे हमारे प्लान से थोड़ा अलग हो रहा है तो मुझे बैटिंग करने के लिए जाना चाहिए, और लास्ट में वो बहुत ही बढ़िया तरीके से हमें वर्ल्ड कप जिता देते हैं। तो यहां पे यही चीज है कि कंट्रोलिंग कंट्रोल करते, वो पूरी मैच के ऊपर ध्यान रख रहा था धोनी, आपने देखा होगा मूवी में। तो कंट्रोलिंग फाइंड्स आउट एनी एरर्स इन द एंटरप्राइज एंड देन करेक्टिव मेजर्स लेगा ताकि हम हमारे ऑब्जेक्टिव्स को, गोल को अचीव कर सके। एज अ रिजल्ट अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव बिकम्स इजी, मतलब आराम से हम पूरी मैच जीत गए, वर्ल्ड कप जीत गए। दस कंट्रोलिंग हेल्प्स इन मूविंग द एंटरप्राइज टूवर्ड्स द सेट गोल, मतलब कंट्रोलिंग जो है ऑर्गेनाइजेशन को उनके जो डिसाइड किए हुए गोल है उसको अचीव करने में हेल्प करता है। देन नेक्स्ट पॉइंट इज कंट्रोल ऑन एक्टिविटीज। अब यहां पे देखो, एक क्वालिटी कंट्रोल और दूसरा फाइनेंशियल कंट्रोल, फाइनेंशियल कंट्रोल कहो या कॉस्ट कंट्रोल कहो, आर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ऑफ कंट्रोलिंग फंक्शन। कंट्रोलिंग फंक्शन के ये दो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि एक क्वालिटी कंट्रोल और दूसरे फाइनेंशियल कंट्रोल पे ध्यान रखना। नाउ कंट्रोलिंग Also important for various other activities. ये controlling जो है ये इन दो के अलावा बाकी के सारे activities के लिए भी काफी important है, जैसे कि production हो गया, sales हो गया, marketing हो गया, सभी में controlling करना बहुत important है। And controlling also keep a close check on undesirable activity, बहुत ध्यान रखता है कि यहाँ पे कोई unexpected activity, कोई unexpected चीज तो नहीं हो रही है ना। Then such as theft, करप्शन, डिले इन वर्क एटसेट्रा, मतलब पूरी बाज की नजर बना के रखेगा कि कहीं पे भी कोई भी गलत चीज, कोई थेफ्ट, कोई करेक्शन या यहाँ पे कोई करप्शन ऐसा कुछ तो नहीं हो रहा है ना। तो ये कंट्रोलिंग जो है वो बहुत सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा क्वालिटी कंट्रोल, फाइनेंशियल कंट्रोल, उसके अलावा प्रोडक्शन कंट्रोल, सेल्स कंट्रोल, मार्केटिंग कंट्रोल, मतलब सारी एक्टिविटीज में यहाँ पे कंट्रोलिंग हेल्पफुल होता है। Then next point is controlling makes planning effective. देखो planning तो बना दिया पर फिर ये planning effective हो उसके लिए control करना भी बहुत जरूरी है। तो according to the expert, planning lays down the path, यानी कि वे दिखाता है for the achievement of the objective. Meanwhile, the controlling helps in finding the deviation in that path and then to improve them. मतलब planning जो है वो हमको path दिखाएगा कि हम कैसे objective achieve कर सकते हैं, कि ये वो रास्ता दिखाएगा, और अगर ये रास्ते पे, मतलब ये path पे कोई deviation आ जाते हैं तो controlling उस deviation को find out करेगा और फिर उसको improve करेगा ताकि हम लोग हमारे जो goal को achieve करने का रास्ता है उसके ऊपर अच्छे से successfully आगे बढ़ सके। Thus controlling helps in the achievement of objective, मतलब कि जो planning है वही तो objective decide करता है, तो ये planning को और effective बना देता है। Clear हुआ? देखो दोस्तों, जैसे जैसे point खत्म हो रहे हैं आप video को pause करके वो point को अपने mind में refer करोगे। Then fourth point is coordination among various activities, जो अलग अलग activities होती है controlling से, वो सारी activities के अंदर coordination establish किया जा सकता है। देखो, to realize the goal of business, it is necessary that all functions of management are well coordinated. देखो, अगर आपको excellent outcome चाहिए, excellent result लाना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपकी जो अलग अलग activities होती है, मतलब यहाँ पे आपकी अलग अलग activity, मतलब आप accountancy करते हो, आप economics करते हो, आप बाकी के सारे subjects करते हो, तो उसको प्रॉपरली यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा? कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा ताकि आप आपके जो गोल है उसको अचीव कर सको। तो यहां पे यही चीज कही है कि इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द कंट्रोल कोऑर्डिनेशन इज पॉसिबल अमंग वेरियस एक्टिविटीज, मतलब ये कंट्रोलिंग की वजह से ही अलग अलग एक्टिविटीज से हम लोग यहां पर कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं। चलिए, देन नेक्स्ट इज evaluation of activity. तो देखो, the control compares the actual performance with the expected performance. Controlling क्या करेगा कि आपका actual performance क्या हुआ है और आपका expected performance क्या था, मतलब exam हुई, आपका expectation था कि मैं 80% लाऊंगा और उसके सामने actual performance क्या हुआ है आपके, for example आया 60%,
तो यहां पे कंट्रोलिंग क्या करेगा, आपके ये एक्चुअल परफॉर्मेंस को आपके ही एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर करेगा, एंड इन दिस वे इवैल्यूएशन ऑफ ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द एंटरप्राइज इज मेड। और इसी से हम लोग चेक करेंगे कि देखो आपका ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसा रहा है, अच्छा रहा है, अच्छे से कंप्लीट किया है या अच्छा नहीं रहा है। तो ये कंपेयर करके आपको पता चल जाएगा कि यार हमारा एक्चुअल परफॉर्मेंस तो हमारा जो एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस था उसके हिसाब से नहीं हुआ है। अगर आप यहाँ पे अच्छी मेहनत करते हो और आपके 83% आ गए, 87% आ गए, मतलब 80% आ गए, तो इसका मतलब क्या कि आपका जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस के हिसाब से चल रहा है, तो ये अच्छी बात है। मतलब पूरी प्रिपरेशन, पूरा ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है वो हमें कंट्रोलिंग से पता चल जाता है। देन नेक्स्ट पॉइंट इज रिमूव्स डेविएशन प्लान। यहाँ पे कंट्रोलिंग क्या करेगा, जो डेविएशन है उसको दूर करेगा। कंट्रोलिंग एम्स एट टेकिंग द करेक्टिव एक्शन, देयरफॉर कंट्रोल इज एक्सरसाइज ऑन ऑल इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस सच एज पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, क्वालिटी, प्रोडक्शन, बजट एटसेट्रा, एंड डेविएशन इन एनी ऑफ दीज एक्टिविटी, मतलब चाहे वो पॉलिसी में हो, प्रोसीजर में हो, क्वालिटी में हो, प्रोडक्शन, बजट, किसी में भी कोई भी डेविएशन निकल के आता है तो कंट्रोलिंग यहां पे क्या करेगा, फाइंड आउट करता है इस डेविएशन को और उसको क्या करता है, रेक्टिफाइड, मतलब निकाल देता है। जैसे हिंदुस्तानी भाव सबको निकालता है ना, चल निकल लो 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 लो, कोई जरूरत नहीं है तेरी इस देश को। उसी तरह से कंट्रोलिंग क्या करेगा, आपके ये जो अलग अलग एक्टिविटीज होती है, काम होते हैं, उसके अंदर जो भी डेविएशन आता है उसको चल निकल, कोई जरूरत नहीं है तेरी इधर, ऐसा करके ये डेविएशन को रिमूव करता है। क्लियर हुआ? देन नेक्स्ट पॉइंट इज नेसेसरी फॉर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। अथॉरिटी को डेलीगेट करने के लिए भी ये बहुत जरूरी है। तो कंट्रोलिंग कैन बी मेड मीनिंगफुल Only when it is preceded by the proper delegation of authority. मतलब अगर proper delegation of authority किया गया है तो controlling effective होगा। मतलब हमने सही आदमी को controlling दिया होगा, controlling करने की authority भी हमें किसी ना किसी person को देनी होगी, तो वो manager जो है वो अगर proper होगा तो कंट्रोलिंग इफेक्टिव हो जाएगा। नाउ आफ्टर द डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सुपीरियर टू सुपरवाइज द एक्टिविटीज ऑफ द एम्प्लॉइज। अब उसको ये बंदे को एक बार कंट्रोलिंग की जिम्मेदारी दे दी, फिर उसकी ये जिम्मेदारी है कि वो सारे के सारे एम्प्लॉइज के काम को सुपरवाइज करे कि भाई सभी लोग अच्छे से काम कर रहे हैं ना, कोई निकम्मा निठल्ला बैठ के आराम तो नहीं कर रहा है ना, वो चेक करेंगे। सुपीरियर कैन डेलीगेट द अथॉरिटी बट नॉट द अकाउंटेबिलिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, ये चीज आपको एमसीक्यू वीएसक्यू के एंगल से भी काम का है कि कोई भी पर्सन है, चाहे वो सुपीरियर हो या मैनेजर हो, वो अपनी अथॉरिटी डेलीगेट कर सकता है बट रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि अकाउंटेबिलिटी वो तो उसकी ही रहेगी, भाई मेरी जिम्मेदारी है। बिकॉज अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड एज इट इज ऑटोमेटिकली क्रिएटेड। तो याद रखना, यहां पे अथॉरिटी डेलीगेट हो सकती है बट अकाउंटेबिलिटी ये डेलीगेट नहीं हो सकती। क्लियर हुआ? तो जिम्मेदारी तो यहां पे मैनेजर को ही उठानी पड़ेगी, कंट्रोलिंग उसको अच्छे से करना होगा ऑन द वेरियस एक्टिविटीज ऑफ द एम्प्लॉइज। देन नेक्स्ट पॉइंट इज फाइंड आउट द एरर्स। तो देखो, कंट्रोलिंग इवैल्यूएट्स द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉइज। कंट्रोलिंग क्या करता है, जो एम्प्लॉइज है ये सभी, ये फॉर एग्जाम्पल ए है, बी है, सी है, डी है, उसके परफॉर्मेंस को यहाँ पे इवैल्यूएट करेगा। अभी देखो, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, तो ये इवैल्यूएशन करता है एम्प्लॉइज के परफॉर्मेंस का। कंट्रोलिंग सुपरवाइज द एक्टिविटीज ऑफ द एम्प्लॉइज। और ये जो कंट्रोलिंग है वो क्या करता है, ये एम्प्लॉय की जो एक्टिविटीज है उसको सुपरवाइज करता है। इफ देयर इज एनी एरर, डिफिकल्टी, डिफेक्ट और डेविएशन, then the efforts are made to know the causes of this deviation or difficulty or defect and then corrective action is taken so that error does not repeat in the future. मतलब यहाँ पे क्या होता है कि कोई भी error, defect या deviation है या नहीं उसको find out किया जाता है, उसके क्या causes यानी कि क्या reasons है कि ये deviation हुआ या defect आई, इसको find out किया जाता है और उसके ऊपर corrective actions लिए जाते हैं ताकि ये गलतियां फिर से फ्यूचर में रिपीट ना हो। क्लियर हुआ? देन नाइन्थ पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंस इज लॉन्ग टर्म प्लानिंग। कंट्रोल कैन बी यूज्ड टू मेक लॉन्ग टर्म एजम्पशन। देखो, कंट्रोल से हम लोग बहुत लॉन्ग टर्म के एजम्पशंस कर सकते हैं
ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी, मतलब प्रेजेंट एक्टिविटीज के बेस के ऊपर हम लोग जो फ्यूचर है, लॉन्ग टर्म है, उसका एजम्पशन कर सकते हैं. लाइक साहस स्मार्ट स्टडीज अभी आप लोगों के लिए जो एक्टिविटीज कर रहा है, हम लोग जो हाईटेक एजुकेशन, कॉन्सेप्चुअल एजुकेशन लोवेस्ट फीस पे प्रोवाइड करने का सोच रहे हैं, तो उससे हम लोग फ्यूचर का एजम्पशन कर सकते हैं कि कोई भी स्टूडेंट होगा, अगर उसको सच में एकेडेमिकली अच्छा करियर बनाना है और वो थोड़ा भी ध्यान देगा, थोड़ा सा भी टाइम एप्लीकेशन ओपन करके पढ़ेगा, तो वो कोई भी कोर्सेज करना है, मतलब ट्वेल्थ तो छोड़ो, उसके अलावा उसके बाद बीकॉम करना है, सीए करना है, सीएस करना है, सभी में वो बहुत ही अच्छे से परफॉर्मेंस दे के अपना करियर बना सकता है. ये एजम्पशन हम लोग करते हैं कौन से बेसिस के ऊपर, कि अभी हम लोग ये जो आप लोग ये सेशन देख रहे हो उसी तरह से हम लोग कॉलेज के लिए, उसी तरह से सीएस के लिए, सीए के लिए भी बनाते हैं. तो ऐसे स्टूडेंट्स का बहुत बढ़िया सा प्रिपरेशन रिवीजन हो जाता है. ये तो डिटेल वाला सेशन है, इसके अलावा क्विक रिवीजन सेशंस भी प्रोवाइड करते हैं कि एग्जाम के अगले दिन आप सारे टॉपिक ऐसे थोड़ी डिटेल में सुनोगे या समझोगे, तो उस वक्त प्रिपरेशन के लिए आपको स्मार्ट रिवीजन सेशंस मिलते हैं. तो ये सारी चीजें हम लोग जो करते हैं उससे हम लोग फ्यूचर का एजम्पशन कर सकते हैं कि फ्यूचर में इस तरह से हम लोग लोवेस्ट फीस पे क्वालिटी एजुकेशन दे के स्टूडेंट्स का अच्छा करियर कॉमर्स स्ट्रीम में बना सकते हैं. Thus, controlling helps in making this long-term plan. तो ये controlling जो है, जो हम अभी करते हैं, तो उससे जो हमारे long-term plan है, वो हम लोग अच्छे से achieve कर सकते हैं. Then, next point is helpful in directing. तो देखो यहाँ पे क्या कहा है? Controlling makes the directing function simple एंड ईजी. देखो कंट्रोलिंग से जो डायरेक्शन देना है वो बहुत सिंपल हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि इस तरह से कंट्रोलिंग होगा, तो डायरेक्शन देने का काम जो हम करते हैं सभी एम्प्लॉयज को, वो बहुत ही ईजी एंड सिंपल बन जाएगा. इट सुपरवाइजेस द पर्सोनल, गिव्स गाइडेंस एंड डायरेक्शन ड्यूरिंग द डिफिकल्टीज एंड दस हेल्प इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल. ये कंट्रोलिंग क्या करता है? सुपरवाइज करता है पर्सोनल एंड गिव्स, पर्सनल मतलब एम्प्लॉय, इसको सुपरवाइज करता है एंड गिव्स गाइडेंस एंड डायरेक्शन ड्यूरिंग द डिफिकल्ट टाइम, सो दैट द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स बिकम्स वेरी इजी. क्लियर हो रहा है? एंड नाउ द लास्ट पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंस, एंड दैट इज बैरोमीटर ऑफ एफिशिएंसी, मतलब बिजनेस की एफिशिएंसी मेजर करने का मीटर, के बिजनेस कितना एफिशिएंट है, कितना इफेक्टिव है, वो पता चल सकता है उसके कंट्रोलिंग सिस्टम से. तो देखो इन बिजनेस एंटरप्राइज इफ कंट्रोल इज एक्सरसाइज इफेक्टिवली, देखो कंट्रोलिंग अगर हम प्रॉपरली इफेक्टिवली, मतलब कंट्रोलिंग मतलब जबरदस्ती डराना धमकाना नहीं, अच्छे से कंट्रोल करना, वो इफेक्टिवली होता है, देन द मैनेजमेंट बिकम्स efficient. देखो controlling proper होगा तो management बहुत efficiently हो पाएगा. So controlling is called the barometer of efficiency of management. बहुत छोटा सा और सिंपल सा पॉइंट है कि controlling की वजह से management के जो काम है वो बहुत effective और easy हो जाते हैं, और उसी से कंपनी का मैनेजमेंट होता है वो भी इंक्रीज होता है. तो पता चलता है कि भाई अगर मैनेजमेंट इफेक्टिवली चल रहा है, मतलब कंट्रोलिंग अच्छा है, कंट्रोलिंग बुरा है तो मैनेजमेंट भी बुरा है. तो ये जो मैनेजमेंट का एफिशिएंसी का बैरोमीटर है वो भी कंट्रोलिंग से पता चल सकता है. तो यहाँ पे दोस्तों हमारे सारे के सारे पॉइंट्स ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग वो खत्म हुए, एंड आई होप कि आपको ये सारे के सारे पॉइंट्स अपने माइंड में अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हुए होंगे. इस वीडियो को आप कम से कम एक दो बार और देखें, और उसके बाद हमारे साथ स्टडी पैम्पलेट में से रिफर करके अपनी नोटबुक में भी इस आंसर को जरूर लिखें, ताकि आप एग्जाम में अच्छे से लिख के फुल स्कोरिंग कर सको. और इसी तरह के और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाईटेक कॉन्सेप्चुअल एजुकेशन 11th 12th के लिए, FISY, TY, BCOM, CA या CS के कोई भी लेवल के लिए, आप या आपके कोई भी फ्रेंड, सीनियर्स या जूनियर्स अवेल करना चाहते हैं, तो उनको कहो कि वो आज ही साहस इंस्टीट्यूट का कांटेक्ट करें, साहस स्मार्ट स्टडीज एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, जहां पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एजुकेशनल फीचर्स, मतलब बहुत जबरदस्त अच्छे से हाईटेक स्टडी सेशंस, एक्सीलेंट स्टडी पैम्पलेट जो कि एक्सपर्ट डिजाइन करते हैं, एग्जाम के अगले दिनों के लिए प्रिपरेशन करने के लिए सुपर्ब रिविजन सेशंस, MCQ के सेल्फ टेस्ट, मोटिवेशनल सेशंस, एग्जाम कैसे लिखनी चाहिए उसके सेशंस, मतलब बहुत सारी चीजें आपको लोवेस्ट फीस पे मिलती है, जिससे कि आपका नॉलेज, आपका करियर और आपका रिजल्ट तीनों ही टेरिफिक लेवल पे बढ़ सकते हैं. तो आप सब लोग इसका आज ही फायदा ले, और इसी तरह से हमेशा मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए. गॉड ब्लेस यू ऑल. जय हिंद.